वेलकम टू शिवाध्यान स्कॉलर्स एकेडमी, आई एम अपर्णा बोबड़े। अब तक की क्लास में हमने देखा कि एबेकस क्या होता है, मतलब इंट्रोडक्शन ऑफ एबेकस। उसके बाद हमने डायरेक्ट मेथड देखी थी और आज हम देखेंगे डायरेक्ट मेथड के कुछ एग्जांपल्स। जो मैंने डायरेक्ट मेथड के एग्जांपल्स दिए थे अभी तक वो बस सिंगल डिजिट के थे, अभी हम डबल डिजिट के डायरेक्ट मेथड के एग्जांपल्स देखेंगे। उसके बाद मैंने आपको एबेकस किट किस तरह से होल्ड करते हैं ये भी बताया था, और आज हम जब भी एग्जाम्पल स्टार्ट करेंगे तब आप भी कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस में रहिए। जब जितने ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ज्यादा आपको अच्छे से एग्जाम्पल सॉल्व करने आएंगे। सो आज की क्लास शुरू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो अभी हमारी एबेकस किट है, हमने ये क्लियर कर दी है। क्लियर करना मतलब क्या होता है कि सारे अपर डिजिट, मतलब जो भी अपर बिट्स हैं वो सारे ऊपर की साइड में है और सारे लोअर बिट्स हैं वो सारी नीचे की साइड में है। अभी ये मिडल बार पे कोई भी बिट नहीं है, मतलब यहाँ पे इस एबेकस की वैल्यू होगी है जीरो। सो अभी हम स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट मेथड के टू डिजिट वाले एग्जांपल्स। सो मैं यहाँ पे लिख कर देती हूँ, आप समझ लीजिएगा। +22 +11 +11 यहाँ पे कोई भी सिंबल नहीं है, इसका मतलब इसे हम कहेंगे जब भी हम इसको रीड करेंगे, इसे हम रीड करेंगे +22 +11 +11 इस तरह से हम रीड करते जाएंगे। अभी हमें ये एबेकस पे सॉल्व करना है। सो डायरेक्ट मेथड है, डायरेक्ट मेथड मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज की जरूरत नहीं होती, डायरेक्टली वन रोड पे ही वो सारा कुछ सॉल्व हो जाता है। सो अभी ये +22, तो 22 में कितने डिजिट है ये आप देख लीजिए। पहले ये हो गया वन रोड पे और ये हो गया टेंथ रोड पे। सो अभी हम जो भी वन रोड पे है डिजिट वो सारे वन रोड पे लिखेंगे, मतलब वन रोड पे इंसर्ट करेंगे, और जो भी टेंथ रोड पे डिजिट्स है वो सारे हम टेंथ रोड पे इंसर्ट करेंगे। सो अभी ये है 22, तो मैं करूंगी टेंथ रोड पे 2 + 2 by thumb, देन अगेन 2 + 2 by thumb, ये हो गया 22। देन 22 हमारा हो गया है, अभी हमें करना है 11। सो 11 के लिए हमारे पास बिट्स है, सो अभी हम करेंगे 11 + 1 + 1 = 11। अभी उसके बाद आएगा अगेन 11, सो अगेन 11 करते टाइम हमारे पास बिट्स ऑलरेडी है, सो हम यहाँ पे करेंगे +1 and again +1, सो हमारा 22 + 11 और +11, इन सारे इस एग्जांपल का आंसर आया है हमारे पास 44। देखिए 1 2 3 4 1 2 3 4, मतलब हुआ है हमारा 4 4 44। सो यहाँ पे आंसर आएगा 4 4 44, है ना, बहुत इजी। अभी हम देखते हैं और एक एग्जांपल, +12 + 17 and -16। यहां पे भी टू डिजिट्स हैं तो हमें टू रोड्स यूज करनी पड़ेगी। पहले मैं यहां पे तो फिर क्लियर कर लेती हूं। अभी +12 तो 100 टेंस रोड पे आएगा 1 और वंस रोड पे आएगा 2 1 2, ये हमारा हो गया 12। अभी हमें करना है 17, तो 17 के लिए 10 रोड पे आएगा 1 और 1 रोड पे आएगा 7, तो 7 कैसे करेंगे हम, 5 6 and 7, ठीक है। अभी +12 भी हो गया, +17 भी हो गया, अभी हमें करना है -16, तो प्लस करते टाइम हम थंब का यूज करते हैं क्योंकि हमें बीट्स को ऊपर लेके जाना होता है, लेकिन अभी माइनस है तो माइनस करते टाइम हम इंडेक्स फिंगर का यूज करेंगे और हमें बीट्स को नीचे लाना होगा। सो -16, तो -16 है तो -1 और यहाँ पे -6 करेंगे, ये 5 6 5 6, ये हो गया -16, तो +12 + 17 और -16 का आंसर आया है 1 1 2 3 1 3 13, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 1 3 13। बहुत ही इजी है, प्रैक्टिस से आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ जाएगी। अभी मैं और एक एग्जांपल लेती हूँ, +11 + 52 and +21। ये एग्जांपल हम करेंगे। सो +11 करते टाइम हमें क्या करना होगा, +11 by thumb, देन +52, तो 52 5 आएगा टेंस रोड पे और 2 आएगा वंस रोड पे, सो ये हो गया 52 + 52, देन अगेन +21। डायरेक्ट मेथड है, सारी चीजें डायरेक्टली हो जाएगी, +21 भी डायरेक्टली हो जाएगा। ये देखिए +20 और ये 1 +21 +11 +52 और +21 का आंसर आएगा
5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, मतलब 84. आंसर आएगा 84. एक तो एग्जाम्पल और ले लेती हूं, मतलब आपको डायरेक्ट मेथड बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा. नेक्स्ट एग्जाम्पल है +34, +34, देन -24, देन -24, देन +6. +34 ये आ गया +30 और ये 4. फिर -24, माइनस करते टाइम हम नीचे आएंगे, सो ये -1, 2, 20, 1, 2, 3, 4, -24 और ये हो गया 6. 6 एक ही डिजिट है, सिंगल डिजिट है और वो वंस रोड पे है. तो हम वंस रोड पे +6 करेंगे, ये 5 और ये 6. समझ आ रहा है? सो अभी ये हो गया, इस एग्जाम्पल का आंसर आएगा +1 और ये 5, 6, 1, 6, 16. यहाँ पे आएगा 1, 6, 16. ठीक है, अभी एक लास्ट एग्जाम्पल लेंगे हम, +31, -21 और लास्ट में आएगा 14. डायरेक्ट मेथड में सारी चीजें डायरेक्टली हो जाएगी. मैं फिर से यही बात दोहरा रही हूँ कि डायरेक्ट मेथड में सारी चीजें इजीली और डायरेक्टली हो जाती है, किसी भी फ्रेंड की जरूरत नहीं पड़ती. सो अभी ये लास्ट एग्जांपल हम लेंगे, +31 है, मतलब यहाँ पे टेंस रोड पे आएगा 3, 30 और ये 1, मतलब ये हो गया 31. देन उसके बाद 31 हो गया हमारा, उसके बाद आएगा -21. तो माइनस करते टाइम हम ऊपर जाएंगे या फिर नीचे आएंगे? नीचे आएंगे. सो -21, तो माइनस करते हैं -2 और -1, -21 ये हो गया. अभी ये -21 भी हो गया हमारा. अभी हमें करना है +14, 1, 4, 14. ये वंस रोड की सारी चीजें, वंस रोड के सारे डिजिट हम वंस रोड पे ही लेंगे और टेंस रोड के सारे डिजिट हम टेंस रोड पर ही लेंगे. सो अभी हमें करना है +14. +14 के लिए बिट्स है हमारे पास, सो ये 1 और यहाँ पे 4. 1, 2, 3, 4, +14. अभी +31, -21 और +14, इसका आंसर आया है 24. 1, 2, 2, 1, 2, 3, 4, 4, 2, 4, 24. ये हो गया 2 और ये हो गया 4. ये हो गया 1, 2, 4, 24. यहां तक हमने अभी तक सीखा, ये डायरेक्ट मेथड थी और डायरेक्ट मेथड के 2 डिजिट वाले आंसर्स थे एंड एग्जांपल्स थे. सो अभी इसी तरह से 2 डिजिट हो या फिर 3 डिजिट या फिर 4 डिजिट, अगर डायरेक्ट मेथड हो तो आप डायरेक्टली ही उसको सॉल्व कर पाते हो. अभी यहां तक हमारा क्लास खत्म हुआ. अगले सेशन में आपको मेंटल मैथ्स कैसे करना है उसकी वीडियो दिखाऊंगी और उसके बाद हम सीखेंगे स्मॉल फ्रेंड. स्मॉल फ्रेंड के लिए आप तैयार हो तो फिर अगले मिलते हैं अगले क्लास में. सो तब तक के लिए थैंक यू.